नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल सर्वर में। तो लोकल सर्वर का क्या बेनिफिट होता है, जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं जो वेबसाइट डेवलप करते हैं वो वेबसाइट को डायरेक्ट लाइव सर्वर में ना अपलोड करके पहले उसे पूरा का पूरा लोकल सर्वर में डेवलप करते हैं और जब वो वेबसाइट फाइनल हो जाती है लोकल सर्वर में तब उससे लाइव सर्वर पर अपलोड करते हैं। तो लोकल सर्वर क्या होता है कि हम अपने सिस्टम में ही एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए हमें कोई सर्वर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वहाँ पे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की टेक्निकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप इस ट्यूटोरियल को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे वर्डप्रेस को आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं बगैर किसी टेक्निकल सपोर्ट के। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं हमें इसके लिए दो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है मैम, जो एब्सोल्युटली फ्री है। मैम क्या करता है कि आपके सिस्टम में लोकल सर्वर क्रिएट करता है। ये लोकल सर्वर क्रिएट करने का सॉफ्टवेयर है। इसमें दो वर्जन होते हैं, मैम और मैम प्रो। मैम प्रो आपको परचेस करना रहता है लेकिन उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैम सारे काम कर देता है लोकल सर्वर के। तो आपको मैम जो सॉफ्टवेयर है वो अगर आप विंडो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो विंडो का डाउनलोड करना है और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपका मैक डाउनलोड करना है। जैसे मेरा सिस्टम मैक है तो मैं मैक का मैम इंस्टॉल मैंने किया हुआ है। उसके अलावा आपको डाउनलोड करना रहेगा वर्डप्रेस। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री डाउनलोड के लिए दिया होता है। इन दोनों के URL मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ से दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये दोनों सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं और मैंने मैम जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपको मैप जो इंस्टॉल करना है वो बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है। जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप मैप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैप इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके सर्वर को स्टार्ट करना है। सिंपली इस बटन पर क्लिक करके स्टार्ट सर्वर। तो जैसे आप स्टार्ट सर्वर पर क्लिक करेंगे तो यह थोड़ा सर्वर को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर को ऑन करता है। तो ये ऑन होते ही एक नई विंडो पॉपअप हो जाती है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लोकल होस्ट 8888/mamp/language-english। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब हमें इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये डाउनलोड वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस को डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पर ये सेटअप इसका आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी करना है वर्डप्रेस की जिप फाइल को जो आपने डाउनलोड की है वर्डप्रेस की साइट से, और आपको जाना है एप्लीकेशन के फोल्डर में, बैक में या विंडो में प्रोग्राम फाइल्स में। उसके अलावा आपको जाना है फिर मैम्प में, मैम्प प्रो में नहीं जाना है। सॉफ्टवेयर दोनों इंस्टॉल होता है लेकिन हम सिर्फ मैम्प पे काम करेंगे क्योंकि वो फ्री वर्जन है। तो मैम्प में जाके एक फोल्डर आता है htdocs। जी हाँ दोस्तों, htdocs। इस फोल्डर में आपको वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। तो आपका वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो यहाँ पेस्ट हो गया है। अब हम इसको अनजिप कर लेंगे। तो ये मैंने इसको अनजिप कर लिया है वर्डप्रेस के सेटअप को, जैसे कि आप देख सकते हैं अनजिप हो रहा है। तो अनजिप होते हमारे पास वर्डप्रेस का एक फोल्डर आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को थोड़ा रीनेम कर देता हूँ, जैसे कि हमारा ट्यूटोरियल है तो मैं इसको कर देता हूँ khvlog। तो अब जो मेरी साइट है लोकल सर्वर पे वो khvlog वाली URL पे रन होगी, ठीक है। अब हमारा सर्वर भी ऑन है और हमने वर्डप्रेस का जो सेटअप है उसको भी हमने वहाँ पे डाल लिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लोकल होस्ट 888 मैम्प लिखा हुआ है, इसकी URL में मैम्प से पहले हम इसमें ऑन लिखेंगे phpMyAdmin, ठीक है। phpMyAdmin क्या करेगा, वो डाटाबेस क्रिएट करता है। तो वर्डप्रेस जो है वो डायनेमिक सिस्टम है PHP बेस्ड। सो ये दो चीज़ से चलता है, एक वर्डप्रेस की कोर फाइल्स जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाल दी हैं। अब हमको क्रिएट करना है वर्डप्रेस का डाटाबेस और फिर हमको उनको दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर phpMyAdmin का आप स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको थोड़ा ईजी रहे देखने में। phpMyAdmin में हमको यहाँ से क्रिएट करना है न्यू डाटाबेस, याद रहे न्यू डाटाबेस। न्यू में जाके हम यहाँ पर डाटाबेस का नाम लिख देंगे जो है khvlog, ठीक है। तो हमने डाटाबेस का नाम लिख दिया, आप जो भी डाटाबेस का नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने khvlog लिखा है और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं khvlog का डाटाबेस क्रिएट हो गया है। ये मेरे कुछ पुराने डाटाबेस है जिनकी साइट्स मैं डेवलप कर रहा हूँ, बाकी ये khvlog का डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब हमें इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। सो हम जाएंगे लोकल होस्ट 8888/ हमने जो नाम रखा है khvlog, याद रखिए ये वो नाम है जो हमने इस फोल्डर का दिया है khvlog का। यही सेम नाम आपको यहाँ पे लिखना है और हमने एंटर मार देना है। एंटर मारते ही ये प्रोसेस कर रहा है थोड़ा सा, ये प्रोसेस करते ही वर्डप्रेस का सेटअप पेज पे आ गया है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ
ठीक है, तो हमें लैंग्वेज को कंटिन्यू कर देना है इंग्लिश। नेक्स्ट जो है वो हमारा वर्डप्रेस का कॉन्फ़िगरेशन पेज आएगा, जिसमें ये पांच चीज़ें पूछता है। इन पांच चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा, तो इसको कर देते हैं लेट्स गो। ठीक है, अब हमारे को पूछ रहा है डाटाबेस नेम, तो डाटाबेस का नेम ये नेम है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो हम इसमें लिख देंगे के एच ब्लॉग, ये हमारा डाटाबेस का नेम हो गया। यूज़र नेम में आपको भर देना है रूट और पासवर्ड में भर देना है रूट, याद रखिए ये दोनों में रूट रूट रहता है। लोकल होस्ट को आप ऐसे छोड़ दीजिए और टेबल प्रीफिक्स को आप अंडरस्कोर से पहले चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ के एच वी क्योंकि के एच ब्लॉग, सो ये टेबल के प्रीफिक्स सेट हो जाएंगे। इसको आप चाहें तो चेंज करें चाहें तो नहीं चेंज करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम कर देते हैं सबमिट। ठीक है, सबमिट करते ही सब कुछ अगर सही रहता है तो ये ऑल राइट स्पार्की का मैसेज शो होगा, अगर कुछ भी गलत रहता है तो इससे पहले एरर आ जाएगा, उस एरर को आपको रिजॉल्व करना है। लेकिन अगर आप सेम मेरा वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं रन द इंस्टॉलेशन। तो अब इंस्टॉलेशन रन हो रहा है, अब ये कुछ और डिटेल पूछता है जैसे साइट टाइटल, तो हम भर देंगे के एच ब्लॉग। यूज़र नेम मैं अभी एडमिन रख देता हूँ क्योंकि मोस्ट लोग एडमिन रखते हैं, एडमिन एडमिन, पासवर्ड भी हम एडमिन रख देते हैं। और कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड क्योंकि वर्डप्रेस वीक पासवर्ड यूज़ करने के लिए नहीं कहता है। इसके बाद में हमारा एक मेल आईडी, कोई भी आप मेल आईडी भर सकते हैं, मैं भर देता हूँ info@kishanh.com एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस का अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसमें करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन में हमने यूज़र नेम दिया था एडमिन और पासवर्ड दिया था एडमिन, एडमिन एडमिन करके हम इसमें एक्सेस करेंगे वर्डप्रेस में। ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, ये देखिए हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और अगर हमको साइट देखने तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, के एच ब्लॉग में, और हम करेंगे विजिट साइट ओपन इन न्यू विंडो। ठीक है, तो ये हमारा जो है के एच ब्लॉग जो है ये हमारी लोकल सर्वर में साइट रन होने लग गई है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है हमारा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस वर्डप्रेस को लोकल सर्वर में इंस्टॉल करने का, काफ़ी इजी था ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए टू स्टे अपडेटेड। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।